11 बजे सपा बसपा कांग्रेस का यूपी की जनता तीन चरणों में बाजा बजा चुकी है, बाकी चार चरणों में भी बाजा बजाएगी, लेकिन 10 मार्च को 11 बजे ही सपा बसपा कांग्रेस का 12 बज जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि चारों चरणों में समाजवादी पार्टी 200 सीट जीत रही है। अखिलेश यादव ने कहा चारों चरणों में 200 सीट जीत। आप लोग तीन बार उनकी उन्होंने क्या कहा, 2014 में क्या कहा कितनी सीट जीत रहे, 2017 में कितनी सीट जीतने का दावा किया, 2019 में कितनी सीट जीतने का दावा किया। उनके दावे हवा हवाई है, उनके दावे में दम नहीं है। और ऐसा बोलने मतलब झूठ बोलने उनको कहिए कौवा काटेगा। कि कमल के फूल की बटन दबाने का मतलब है गरीब को जो जरूरी सुविधाएं हैं वो उसको मिलेंगी, किसान को जो जरूरी सुविधाएं वो मिलेंगी, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का रास्ता साफ होगा। साइकिल की बटन दबाएंगे तो यह जरूर है कि ऐसे अपराधी, एक साइकिल की बटन दबी तो 1000 अपराधी जो आज कुछ काम धाम करने की ओर बढ़ गए हैं वो फिर अपराध के रास्ते पे वापस आएंगे। तो इसलिए साइकिल की बटन दबाने का मतलब अपराधियों और आतंकियों को आमंत्रित करना है, गुंडों को आमंत्रित करना है, दंगाइयों को आमंत्रित करना है, और कमल के फूल की बटन दबाना या अपने सुरक्षा का कवच बना लेना है, विकास का रास्ता बना लेना है, गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना है। लेकिन अगर साइकिल की ओर गया, कोई पंजे की ओर गया, कोई हाथी की ओर गया, वह सब तो उनको डुबो देने का काम करेंगे। इसलिए जो भी उसका अर्थ ये लगाइए कि एक कमल के फूल की बटन से हजारों गरीबों का भला होगा, सुरक्षा होगी, बिजली मिलेगी, सड़क मिलेगी, पानी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और एक साइकिल की बटन दबाने से केवल गुंडे पैदा होंगे, अपराधी पैदा होंगे, दंगाई पैदा होंगे, माफिया पैदा होंगे, सराफत का रास्ता छोड़ करके उत्तर प्रदेश अराजकता के रास्ते पर चला जाएगा। उससे बचाने के लिए साइकिल को ही बंगाल की खाड़ी में उठाकर फेंक दे, यही जरूरत है। हाँ, 10 मार्च के बाद पिक्चर दिखाएंगे आपको भी।